अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ अब्दुल वाजिद। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं इफ्रा को विश करना चाहूँगा हैप्पी बर्थडे इफ्रा। नाउ टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि कैसे किसी भी डेसिमल नंबर को डिफरेंट नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम देखेंगे डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन, देखेंगे डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन एंड डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो शुरुआत करते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन से। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ 79, जिसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। डेसिमल नंबर है एक 79, तो सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं 79 डेसिमल उसकी बेस, और वो जाएगा एक बाइनरी नंबर के अंदर, तो उसकी बेस आ गई 2। अब हम इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इसका 2 से एलसीएम लेंगे। तो 79 कब आता है 2 की टेबल में ये चेक कर लेंगे। तो 2 3 6, तो सबसे पहले 3 मेंशन करेंगे और उसके बाद 1 कैरी चला गया। अब यहाँ आ गया 19, तो आता है 2 9 18, तो यहाँ पर आपके पास 1 लेफ्ट, एक रिमाइंडर आ गया आपके पास। अब देखेंगे आप 2 के टेबल में 3 कब आता है, तो 2 1 2 आता है और 3 आता नहीं, मतलब 4 आता है 3 नहीं आता। तो फिर उसके बाद आपके पास क्या रिमाइंडर रह गया, यहाँ पे अगेन आपने 1 कैरी करा तो 19 आ गया। तो ये क्या हो गया, दोबारा 2 9 18, फिर आपके पास एक रिमाइंडर रह गया। देन अगेन आपके पास जो वैल्यू आई है वो 9 से सॉल्व होगी, 2 9 18 होता है, और आपके पास दोबारा 1 रिमाइंडर रह गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 4 8, तो आपके पास अगेन 1 रिमाइंडर। देन 2 2 4, तो अब आपके पास क्या है, कोई रिमाइंडर नहीं, तो 0। देन उसके बाद 2 1 आपके पास आ गया 2 1 2, दोबारा कोई रिमाइंडर नहीं। देन अगेन अब क्या करेंगे, 2 यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 1 से छोटी चीज़ जो है 0 है, तो हम इसको 2 0 करेंगे और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली 1 रिमाइंडर आ जाएगा। इसको लिखने का तरीका क्या है, हम इसको यहाँ से लिखना शुरू करते हैं और ऊपर की तरफ लिखते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0100 0100 0100, देन उसके बाद 1 1 1 1, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 1 1 1। अच्छा आप अगर आपके पास कोई भी ऐसा नंबर है जो डेसिमल में है, उसको आप बाइनरी में तो सिंपली ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई डेसिमल नंबर है जैसे कि ये, और इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब उसकी बाइनरी वैल्यू आ जाएगी, देन उस बाइनरी वैल्यू को आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो अब क्या करते हैं, हाथ के हाथ इसी नंबर को हम क्या कर लेते हैं, हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें क्या चीज़ें पता चल जाएंगी, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन भी पता चल जाएगा और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन भी पता चल जाएगा। फिर हम एक एग्जांपल देखेंगे किसी डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम की। तो अब हम क्या करेंगे, 4 4 के पेयर बनाएंगे और अपनी वही 8 4 2 1 वाली ट्रिक यूज़ करेंगे, 8 4 2 1 एंड देन अगेन 8 4 2 1। पहले भी बता चुका हूं, अगर कोई ऐसा होता कि आपके पास यहां 3 वैल्यू आ रही होती या 2 वैल्यू आ रही होती, तो आप बाकी वैल्यूज की जगह पे क्या लगा देते, 0। लेकिन अभी हमारे पास इत्तेफाक से जो है पूरे पूरे पेयर मौजूद हैं 4 4 के। अब हम देखेंगे कौन सी वैल्यू पे क्या ऑन है। तो यानी कि 1 के ऊपर 1 है तो हमने 1 को सेलेक्ट कर लिया, 2 के ऊपर 1 है तो उसको भी सेलेक्ट कर लिया, 4 के ऊपर 1 है तो उसे भी सेलेक्ट कर लिया, और 8 के ऊपर 1 है तो उसे भी सेलेक्ट कर लिया। इन सब का जब आप सम करेंगे तो आपके पास आएगा 15, जो कि बराबर होता है F के हेक्साडेसिमल के अंदर आप 15 नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर आ जाएंगे, 1 के ऊपर 0 है तो हम इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे, 2 के ऊपर 0 है तो हम इसे भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, 4 के ऊपर 1 है तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, और 8 के ऊपर 0 है तो हम इसे भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो आपके पास यहाँ खाली क्या आ जाएगा, 4। अब आप क्या लिखेंगे, 15 को कन्वर्ट करने के बाद हेक्साडेसिमल में F लिखते हैं और 4 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया हेक्साडेसिमल के अंदर। अगर 79 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर आएगा, अगर डेसिमल 79 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा जो हमने ये करके देखा है। और अब हम क्या करेंगे, एक नंबर यानी 79 को ही ले लेंगे और इसे क्या करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि कैसे 79 यानी एक डेसिमल नंबर को हम ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम सेम वैल्यू ले लेते हैं 79, और जब हम इसको कन्वर्ट करने जाएंगे ऑक्टल के अंदर, तो हम क्या करेंगे, 79 को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम लेंगे बाय 8। सबसे पहले मैं यहाँ मेंशन कर दूं कि हम कहाँ जा रहे हैं, 79 उसकी बेस 10 है, यानी डेसिमल टू हम कहाँ कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ऑक्टल यानी बेस 8 के अंदर। तो अब 79 को कन्वर्ट करने के लिए मैं लिखूंगा 8, और 8 के टेबल में 79 तो नहीं आता, 80 आता है, और उससे छोटा क्या आता है आपके पास, 72 आता है, जो कि आता है 9 मल्टीप्लाई करके। तो मैं यहाँ 9 लिख दूंगा और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, क्योंकि जब 72 के अंदर 7 ऐड करते हैं तो 79 आता है। तो यहाँ हमने क्या मेंशन कर दिया, 7 हमारे पास रिमाइंडर है।
देन उसके बाद 8 के टेबल में 9 नहीं आता, 8 के टेबल में क्या आता है 8 वन जा 8 आता है, तो मैं यहाँ 1 मेंशन करूंगा और रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास 1। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इसको भी नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है और मैं लिखूंगा मेंशन करूंगा कि 1 1 7, ये मेरी एक वैल्यू आ गई ऑक्टल, यानी कि अगर किसी डेसिमल नंबर को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1 1 7। कभी भी आपको क्रॉस चेक करना हो तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि कभी भी कोई ऑक्टल की वैल्यू आप निकालें और उसके अंदर कोई ऐसा नंबर आ जाए 8 या 9, चाहे वो किसी भी प्लेस के ऊपर हो, अगर 8 या 9 आपके आंसर में आ गया तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।